अब यू देखो भैया, 15 दिन पहले जिस किशोरी के साथ दुष्कर्म होता है आज उसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मामा प्रदेश बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के एक गांव का, जहां पर भैया मृतक के चाचा बता रहे हैं कि देखो भाई देखो, हमारी किशोरी के साथ जो है एक गांव के ही रहने वाले एक लड़के ने दुष्कर्म किया, उसके बाद छुट्टा सांड की तरह घूमता रहा। पुलिस ने ढंग से कार्रवाई नहीं की, अगर ढंग से पुलिस कार्रवाई करती तो आज बकायदा हमारी भतीजी जिंदा रहती। दैनिक सुनो भैया क्या बताता है, इनका कहना कि आरोपी की अम्मा लोग जो है भैया द्वारे पावत रहे, चिल्लाती रहे कि देखो चाहे जितना पैसा हमको फूकना पड़ जाए, बोरी भर के देना पड़ जाए, हम अपने बेटे को जेल में नहीं जाने देंगे। और तुम्हारी बेटे के साथ सुनो का बताओ रहे, तुम लड़की को हो चाचा, लड़की का है फांसी लगा ले, लड़की फांसी ले, आज से 15 दिन पहले उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उसके साथ FIR किया तो वहाँ पे भी ऐसे निपटा दिया। 12 बजे के आज 15 दिन का मामला हो गया है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस वजह से हमारी भतीजी आज आत्महत्या कर लिया। आरोपी धमकावत रहेगा कुछ धमकाव, उनके परिवार वाले कह दिया रहे, उनके घर में एक दो लेडीज रही, वो कहती रही कि हमारा बेटवा गवाह है, इनकी जैसी लड़की चाहे 4 आवे चाहे 10 आवे, वो उनकी माँ कहती थी पैसा चाहे जितना लग जाए बेटे को हम जेल नहीं जाने देंगे। बहन भी इनकी कहती थी पैसा चाहे जितना लग जाए हम उनको जेल नहीं जाने देंगे, कभी भी पैसा चाहे बोरी में भर के लग जाए। 15 दिन में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, 15 दिन में एक दिन इनको रात में बंद किया, उसके बाद छोड़ दिया। आज तक इनको इनके पास कम से कम 6-7 दिन से ज्यादा हो गया, इनको बाराबंकी से भी किया है, कोई यहाँ पुलिस नहीं आई है इनकी तहकीकात करने के लिए। पुलिस को सूचना दी हो, पुलिस को सूचना बाराबंकी से भी दिया था और यहाँ से भी दिया था, कोई कार्रवाई नहीं सोने के ऊपर हुई अभी तक। कैसे जाने पाओ लड़की फांसी लगा ले इसका पता, अभी सुबह भाभी ने पल्ला खोला, उसके बाद पता चला हमारे घर पे कि बोल नहीं पाई, ऐसे इशारे में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी घटना हो गई, मैं भाग के आया देखा तो बच्ची को फिर किसी को उसके पास नहीं जाने दिया उसके। हाँ बताओ भैया, आरोपी के अम्मा परिवार वाले लगातार गरियाते रहे और किशोरी भैया दुनिया छोड़कर चली गई। फिलहाल भैया पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। हम कुछ कहते हैं तो बुरा लग जाएगा, स्थानीय लोग भैया बहुत आक्रोशित दिख रहे थे। फिलहाल एसपी साहब की बात सुन लो, क्या बता रहे थे, कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। थाना हैदरगढ़ पर 17 जून को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 376/511 IBC का, उसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका था और 164 का बयान आज दर्ज होना था। अभियुक्त को आज प्रातः हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच खबर आई कि जो पीड़िता थी अपने घर पर भी वो वहाँ पर हैंग कर गई, सुसाइड कर ली। इस संबंध में भी जाकर के पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ एसपी साहब की बात सुनी आपने भैया, लेकिन परिजनों में काफी आक्रोश दिख रहा था। फिलहाल आपकी कार कमेंट कीजिएगा, वीरू शेखर ना खत्म भूलिएगा, शम्मा साहब जो खुश सुन लेगी दबा दो बैलेंस के और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।